सभी को 23 जुलाई को पेश होने वाले आम बजट का इंतजार है। हम आपको दिखाते हैं कि विभिन्न वर्गों की बजट से क्या उम्मीद है। मिडिल क्लास के हाथ, मिडिल क्लास हमारी बहुत बड़ी हो चुकी है आज। सब मेरा व्यक्तिगत रूप से एक इकोनॉमिस्ट होने के नाते अनुमान है कि करीब 70 करोड़ के आसपास की हमारी मिडिल क्लास इस समय है, क्योंकि वो लोग जो 25 करोड़ आपके मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से ऊपर आए, ऊपर उठ के वो लोअर मिडिल क्लास में आ गए। बीच में तो और कोई क्लास होती नहीं, खैर वो तो टैक्स नहीं देते, उनकी हम नहीं बात करते, पर टैक्स पेयर्स को लगता है कि कभी कभी हमें जो बेनिफिट मिलना चाहिए, पिछले कई सालों से मिला भी है पर उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। तो इंडस्ट्री ये चाहती है कि अगर टैक्स पेयर्स की जेब में पैसा रहेगा, टैक्स कम लगेगा, तो वो ज़्यादा खर्चेंगे, ज़्यादा खर्चेंगे तो इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ेगी, इंडस्ट्री की डिमांड कंजम्पशन, हमारी एक कंजम्पशन ड्रिवन इकॉनमी है। बिल्कुल लोगों की पूरी पूरी उम्मीद है इस बार, और मुझे लगता है जो पॉलिटिकल गणित है, जो राजनीतिक गणित है, वो भी कुछ इस तरफ संकेत करता है कि शायद सरकार इस बार आम जनता के बारे में ज़्यादा सोचे। जिला सहकारिता बैंक में किसानों की जो है लिमिट 10,000 रुपये पर एकड़ है, उसको बढ़ा के मतलब जो है 50-60 हज़ार एकड़ बाकी दूसरी बैंक उन 60,000 दे रही है, तो जिला सहकारिता बैंक को भी जो है 60,000 करना चाहिए। इस वजह से प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों को जो समय पे बीज दिया जाता है उस समय के आधारित पर दिया जाए, सब्सिडी जो है वो कम कर अधिक करनी चाहिए, जो पहले हमें मिल रही है उससे भी दुगुनी की आवश्यकता है फसलों को देखते हुए। किस किस चीज पे सब्सिडी बढ़नी चाहिए, जैसे यूरिया है, DAP है, हमारे रासायनिक उर्वरक है उन पर होनी चाहिए, ये हमारे खेती के यंत्र है जी, जो हमें ट्रैक्टर हुआ और हमारा ये जो पूर्जी है टीलर वगैरह जो भी यंत्र है ट्रैक्टर है, टीलर है, हैरो है, जो भी जितने भी सामान है उस पर सब्सिडी बढ़ानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच हर्षा जी। महिलाएं बहुत कुछ चाहती हैं बजट से, और जैसे कि आपने सही कहा, आधी आबादी है महिलाएं, और महिलाएं जब सशक्त होती हैं तो पूरा परिवार सशक्त होता है, पूरी कम्युनिटी सशक्त होती है, देश सशक्त होता है। तो जहां तक सशक्तिकरण की बात है और जहां तक महिलाओं को वर्कफोर्स में लाने की बात है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं अगर उनके होने से वो ज़्यादा बेटर हो सकता है। एक तो देखिए, महिलाएं बाहर निकलकर काम करना चाहती है, हर महिला के अंदर एक चाह है काम करने की, परंतु उसको ये नहीं पता कि अगर वो बाहर कदम रखेगी तो वो कितनी ज़्यादा सेफ और सिक्योर होगी। अगर वो बाहर कदम रखेगी तो एक बेसिक चीज़ जैसे कि एक बाथरूम उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक ऐसी चीज़ कि उसको एक फैसिलिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो ये सब जो चीज़ें हैं, मेडिकल फैसिलिटी हो जाए, हेल्थ एंड सैनिटेशन हो जाए, या फिर उसको ये पता चले कि ये मेरा राइट है, ये मुझे मेरे को काम करना है और ये मैं एक बैंक लोन अप्लाई कर सकती हूँ और ये लोन सिर्फ महिलाओं के लिए है। आज अगर MSME को पेमेंट टाइम से मिल जाए, हमसे ज़्यादा कॉम्पिटेटिव कोई नहीं है और हम चाइना को 100% पीछे छोड़ सकते हैं अगर हमारा पैसा टाइम से आ जाए और पैसा मरे नहीं, तो हमसे ज़्यादा कॉम्पिटेटिव कोई नहीं। माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, MSMEs के लिए एक एक्सक्लूसिव बैंक जो है वो बनाया जाना चाहिए, यानी कि नेशनल MSME बैंक। अब वो बैंक SIDBI भी फ्लोट कर सकता है, और या इसको जो मतलब एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन की तरह से भी क्रिएट किया जा सकता है।